इस समय शहर में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक पहुंच चुका है। अस्पताल में लू से प्रभावित मरीज भी पहुंच रहे हैं, इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल है। पीसी सेट्टी जिला अस्पताल व एमवाई अस्पताल में जांच के लिए आने वाली महिलाओं में से लू प्रभावित महिलाएं भी पहुंच रही हैं। डॉक्टरों की माने तो गर्भवती महिलाओं को लू से बचाव जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से गर्भ में पल रहे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीना आना शरीर के लिए अच्छा होता है, इससे शरीर का तापमान समान बना रहता है। पसीना निकलने पर लगातार पानी पीना जरूरी होता है। जब शरीर के बाहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुँचने लगता है तो शरीर की प्रशीतन कूलिंग व्यवस्था ठप होने लगती हैं। इस दौरान शरीर का तापमान भी 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, इससे रक्त में मौजूद प्रोटीन भी पकने लगता है। वही सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इस समय तापमान अधिक हो रहा है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। लू लगने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इससे चक्कर आना, भूख नहीं लगना, सिर दर्द व बेहोशी तक हो सकती है। बड़ा सर, गर्मी का सीजन चालू हो गया है, पिछले कई दिनों मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, क्या कारण है, कैसे इसका बचाव? नहीं, अब गर्मी का जो सीजन है, एक्चुअली क्या है कि ठंड के सीजन का जब गर्मी का सीजन आता है तो जब तापमान फ्लक्चुएशन होने लगते हैं तब अलग तरह की बीमारी होती है, जब सर्दी जुकाम खांसी वाली होने लगती है। लेकिन जब एक बार जब गर्मी तेज हो जाती है तो फिर लू चलने लगती है, मतलब गर्म हवा जब चलने लगती है तो फिर लू के जो केसेज हैं वो आने लगते हैं। लेकिन लू के इफेक्ट अलग अलग आते हैं। कई लोगों को जो प्राइमरी जो रहता है उसमें उनको सिर्फ हाथ पांव में दर्द होते हैं, एकदम से सडनली कोल्ड जैसे हो जाते हैं ना, उनमें तो ये बहुत सिंपल सा है कि भाई घर में आप हो, नींबू पानी पियो, नमक डाल के थोड़ा सा और शक्कर डाल के नींबू पानी पियेंगे। अगर डायबिटीज़ ना हो तो शक्कर डालें, नहीं तो डायबिटीज़ हो तो ना डालें शक्कर, तो वो एक बहुत सिंपल सा इलाज होता है। लेकिन जो लू लगने के केसेज आ रहे हैं, लू लगने के साथ एक जो दूसरा जो होता है तापमान बढ़ने के साथ जो है कि खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है, और हम कई बार नहीं ध्यान देते हैं कि खाना हम कहाँ खा रहे हैं, वो बासा खाना है, बासा खाना होगा तो उसमें ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब खाना ख़राब होता है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग डायरिया वाले जो केसेज उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो ये दो है, लेकिन लू का जो है, लू में एक्चुअली जो मुख्य उपचार जो है ना, बचाव है। बचाव मतलब आप क्या कर सकते हो, बचाव मतलब ये है कि आप जब निकलें घर से तो एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी हो, मतलब जो भी लिक्विड जूस हो चाहे पानी हो वो आप लेके निकलें। दूसरा ये है कि आप जो इस सीज़न में कहा जाता है कच्ची प्याज और ये सब खाना, वो बहुत आवश्यक है जो लोग खाते हैं उनके लिए। तीसरा ये है कि जब आप निकल रहे हैं बाहर तो टोपी लगाएं, आप मुंह पर कपड़ा बांध के निकलें, क्योंकि बेहतर वही रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जो गर्म हवा जाती है एकदम सीधी नाक और मुँह से, वो दिक्कत पैदा करती है। अगर हम बचाव करेंगे तो लू से बचेंगे। लेकिन चूँकि क्या है कि अब एकदम से तेज़ तापमान हुआ है, मतलब इस बार अप्रैल एंड में 15 अप्रैल के बाद ही एकदम से तापमान बहुत तेज़ हो गया, तो उसका असर भी बहुत गलत पड़ा है, तो कहीं ना कहीं है तो उसके केसेज आए हैं, तो हमारे व्यवस्था पर्याप्त है। सर, गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई परेशानी बन के सामने आती है लू, तो क्या कैसे क्या करना है? नहीं नहीं, वो बचाव देखिए उसका मुख्य जो है बचाव है, चाहे गर्भवती महिलाएं बात करें चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, दोनों ही कंडीशन में, या बच्चों की बात करें, तीनों ही कंडीशन में आपको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बचाव के साथ निकलें, क्योंकि दिक्कत वही है। अच्छा, दूसरा ये कि पर्याप्त अगर आप पानी लेते रहेंगे, पर्याप्त आप लिक्विड लेते रहेंगे खासतौर पर, तो उसमें लू लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अगर आपका पानी जब मतलब वाटर लेवल जो फ्लूइड लेवल जो मेंटेन है अगर आपकी बॉडी का, तो लू लगने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए बेहतर है कि आप बचाव करके चले, ना कि आप लू लगने के बाद, क्योंकि लू लगने के बाद तो इलाज कराना है, लेकिन लू के जो जो है वो जो एक मतलब कहते हैं ना उच्चतम जो उसका जो रहता है, इसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें तो टेम्परेचर 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वो अभी मई के महीने में उसकी संभावना है कि उस तरह के केसेज आने शुरू होंगे, तो लेकिन वो है कि उसकी स्थिति ना आए तो उससे बचाव करके चले। डॉक्टर पी एस ठाकुर, अधीक्षक एम्बा अस्पताल, इंदौर।